दक्कन टीवी यानी तेलंगाना के दिल की धड़कन में आप सबका इस्तकबाल किया जाता है। मैं हूं सुभान और सबसे पहले पेश है सुर्खियां। जिले खम्मम के कांग्रेस पार्टी कायद राम रेड्डी वेंकट रेड्डी दुनिया से चल बसे, सोनिया गांधी और दीगर कायदीन का इजहार दुख। हेलमेट लुजूम के लिए शहर में पुलिस की अनोखी मुहिम, बिना हेलमेट गाड़ियां चलाने वालों की गुलपोशी और हेलमेट के फवायद से आगाही। जेल से रिहाई के बाद कन्हैया कुमार की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आमद, सैकड़ों तुलबा ने किया इस्तकबाल और रैली का इनेकाद। रियासत आंध्रा में लैंड माफिया की सरगर्मियां, चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की खामोशी, YSRCP कायद बोत्स सत्यनारायण की तनखीद। लोकसभा के साबिका स्पीकर पीए सांगमा दुनिया से चल बसे, पार्लियामेंट में खराज अकीदत के बाद 8 मार्च तक के लिए कार्रवाई मुलतवी। मुल्क की 5 रियासतों मगरबी बंगाल, पांडिचेरी, असम, केरला और तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी, मरकजी इलेक्शन कमिश्नर नसीम जैदी का ऐलान। और रियासत छत्तीसगढ़ में एक और मर्तबे पुलिस और माओइस्टों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 CRPF जवान हलाक। और अब खबरें तफसील से। जिले खम्मम के कांग्रेस पार्टी कायद व रुकन असेंबली पी राम रेड्डी वेंकट रेड्डी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले कई दिनों से वो नफ्स के आरजा में मुब्तला थे और हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज भी थे। इंतकाल की इत्तला मिलने के साथ ही राम रेड्डी वेंकट रेड्डी के आबाई मुकाम जिले खम्मम के कामेपल्ली मंडल में वाक़ पातालिंगला विलेज में गम का माहौल देखा गया। 1967 में इनके सियासी कैरियर का आगाज हुआ। साबिका चीफ मिनिस्टर अंजहानी, YS राजशेखर रेड्डी और के रोशया के अलावा दौरे हुकूमत में इन्होंने रियासती वजीर की हैसियत से खिदमात भी अंजाम दिए। जिले खम्मम से 5 मरतबे रुकन असम्बली की हैसियत से मुंतखब होने का इन्हें एजाज भी हासिल रहा। राम रेड्डी वेंकट रेड्डी की मौत की इत्तला के साथ ही तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन ने अपने ताजियती पयाम भी रवाना कर दिए और इनके अफराद खानदान से इजहार दुख का इजहार भी किया। हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस इन दिनों मुनफरिद अंदाज में शऊर बेदारी मुहिम चला रही है। जी हां नाजरीन, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों के लिए 1 मार्च से हेलमेट के इस्तेमाल को लाजिम करार दे दिया गया है और इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए आए दिन महकमे ट्रैफिक के आला अहदेदारों की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों को चालानात और जेल भेजने का जहाँ खौफ दिखाई दे रहा है, वहीं सिटी पुलिस की जानिब से मुनफरिद तहरीक भी चलाई जा रही है जिसमें बिना हेलमेट के सफर करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रोककर ट्रैफिक पुलिस का अमला इनकी गुलपोशी करते हुए इन्हें चॉकलेट पेश कर रहा है और हेलमेट के इस्तेमाल से होने वाले फवायद से इन्हें वाकिफ करवाते हुए हेलमेट के इस्तेमाल की तरगीब भी देता दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह के वाकयात शहर के नवाहा इलाके दिलचस्प नगर में भी पेश आए। ప్రజల యొక్క రక్షణ కోసమే అది. సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పరంగా మేము ఈ హెల్మెట్ డ్రైవ్స్ మొత్తం సైబరాబాద్ యూనిట్లో కొనసాగిస్తున్నాము. దీనివలన ప్రజలకి ఉపయోగం కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్కి ఉపయోగం లేదు. దీంట్లో చాలామంది కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు, ఏం సార్ కంపల్సరీ హెల్మెట్ అని. హెల్మెట్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఎందుకంటే మీ ప్రాణ రక్షణ కోసమే హెల్మెట్ వేర్ చేయమని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ సిబ్బంది మేము కోరుతున్నాం. ప్రజలందరూ 50% వరకు రీచ్ అయింది. ఇంకా నేను ఒకటే కోరుతున్నా, ప్రజలందరినీ ఒకటే కోరుకునేది ఏంటంటే ఈ హెల్మెట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధరిస్తే మీకే ప్రాణరక్షణకు ఉపయోగపడుతుందని మా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే హెల్మెట్ లేకుండా చాలా యాక్సిడెంట్స్లో ప్రాణాలు అనవసరంగా గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి. ఆ ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోకుండా 2-వీలర్ స్పెషల్లీ అందరూ కూడా హెల్మెట్స్ ధరించాలని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ యొక్క విజ్ఞప్తి.
मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम में जेल से अबूरी जमानत पर रिहाई के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तुलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार सीधे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे, जहां पर सैकड़ों की तादाद में तुलबा ने कन्हैया कुमार के इस्तकबाल के लिए पहले से ही मौजूद थे। इसी दौरान JNU तुलबा ने अपने कायद की जमानत पर रिहाई की खुशी में एक फतेह रैली का भी नखाद अमल में लाया, जिसका आगाज JNU कैंपस के गंगा दहाई से हुआ। बाजवा कन्हैया कुमार ने अपने मुनफरिद और पुरजोश अंदाज में तुलबा की कसीर तादाद से खिताब करते हुए कहा कि हम हिंदुस्तान से आज़ाद नहीं बल्कि हिंदुस्तान में आज़ादी की मांग कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने अपनी तकरीर के दौरान BJP के साथ RSS और VHP जैसी फिरका परस्त तंजीमों को भी अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नफरत नहीं है, खास करके ABVP के प्रति तो कोई भी नफरत नहीं, ABVP के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि हम लोग सच में लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोग सचमुच का संविधान में भरोसा करते हैं, इसीलिए ABVP को दुश्मन की तरह नहीं विपक्ष की तरह देखते हैं। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा वीच हंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक हो। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं इस देश का है, इस संविधान का है। रियासत आंध्रा की दारुल हुकूमत अमरावती की तामीर के नाम पर लैंड माफिया की सरगर्मियों पर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की खामोशी को YSR कांग्रेस पार्टी के कायद बोत्सा सत्यनारायण ने अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से लैंड माफिया की सरगर्मियों पर वजाहत तलब करने के बावजूद कोई मौसर जवाब नहीं दिया जा रहा है। बरखिलाफ इसके दारुल हुकूमत की तामीर के नाम पर अराजियात की खरीदी को गैर मुतनाजिया करार देने की चीफ मिनिस्टर की जानिब से कोशिश की जा रही है। गैर मुतनाज़िया सियासी शख्सियत व सीनियर कांग्रेस पार्टी के कायद और रुकन पार्लियामेंट और साबिका लोकसभा स्पीकर PS सांगमा तवील अलालत के बाद 4 मार्च को इस दुनिया से चल बसे। वो 1998 से 1990 तक मेघालिया के वज़ीर आला और 1996 से 1998 तक लोकसभा के स्पीकर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। PS सांगमा की पैदाइश 1947 में हुई। वो 8 मरतबे रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से मुंतखब भी हुए, जबकि मौजूदा लोकसभा में इन्होंने मेघालिया के ST महफूज पार्लिमानी हल्के से कामयाबी हासिल करते हुए लोकसभा पहुँचे थे और साल 2012 में सदर प्रणब मुखर्जी की मुखालिफत में सदर जमहूरिया इंतखाबात में हिस्सा भी लिया था, जहां इनको कामयाबी हासिल न हो सकी थी, जबकि इनकी बेटी उगाता सांगमा ने 15वें लोकसभा में मुंतखब होकर UPA के दौरे हुकूमत में कम उम्र यूनियन मिनिस्टर का एजाज़ हासिल किया था और PS सांगमा के फर्जंद किरनाड सांगमा मौजूदा मेघालिया असम्बली में अपोजिशन कायद का अहम रोल भी अदा कर रहे हैं। PS सांगमा के इंतकाल की खबर सुनकर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के अलावा दीगर ने सियासी कायदीन ने खराज अकीदत इन्हें पेश किया और PS सांगमा को खराज अकीदत पेश करने के बाद स्पीकर लोकसभा सुमित्रा महाजन ने एक दिन के लिए ऐवान पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुलतवी करने का ऐलान भी कर दिया। मुल्क की 5 रियासतों के मुजवजा असम्बली इंतखाबात के मुतालिक कौमी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4 मार्च को एक नोटिफिकेशन की इजराई अमल में आई। असम में 2 मरहले में रायदही मुनक़िद करवाने का चीफ कौमी इलेक्शन कमीशन नसीम जैदी ने ऐलान किया। अप्रैल 4 और अप्रैल 11 को असम असम्बली इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर की गई है, जबकि मगरबी बंगाल में 6 मरहलों में रायदही होगी। अप्रैल 4 के अलावा अप्रैल 17, अप्रैल 21 और 25 अप्रैल के अलावा 30 मई को 5
को मगरबी बंगाल में रायदही मुनाकिद की जाएगी और रियासत केरला के अलावा तमिलनाडु और पांडिचेरी में माह मई को 16 मई को रायदही का इनाखाद अमल में आएगा, जबकि नतायज का मई के महीने में ही ऐलान किया जाएगा। In Assam, about 1.98 crores. In Kerala, about 2.56 crores. Tamil Nadu, 5.8 crores. West Bengal, 6.55 crores. And Puducherry, 9,27,000. 9,27,000. Addition of names by eligible citizens continues until 10 days before the last date of nomination. Through this announcement, voters are urged to check their names and citizens to enroll as voters if they have not already done. The Commission would also like to inform that a purification drive of final roll to remove dead. ریاست چھتیسگڑھ میں ایک اور مرتبہ ماویسٹوں اور پولیس کے درمیان میں جھڑپ کے واقعات پیش آئے۔ تفصیلات کے مطابق چھتیسگڑھ کے ضلع میں سی آر پی ایف جوانوں کی ماویسٹوں کی تلاشی مہم کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، جس میں دو سی آر پی ایف جوانوں کی ہلاکت واقع ہو گئی۔ واضح رہے کہ چند دن قبل اسی طرح کی ایک مدبھڑ میں بھی سی آر پی ایف جوانوں نے 8 ماویسٹوں کو مار گرایا تھا، جس پر ماویسٹوں کے ممنوع گروپ نے انکاؤنٹر کے اس واقعے کو پولیس کی دانستہ حرکت قرار دیا ہے۔ کمشنر ساؤتھ زون آر ٹی اے جی لکشمی نے ہیلمٹ، لائسنس اور آر سی کے ساتھ سفر کرنے کی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تلنگانہ اور محکمہ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹس کی جانب سے اس زمین میں ایک خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے پیش نظر ہر موٹر سائیکل سوار کے لیے ہیلمٹ کا استعمال ضروری قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ تمام موٹر سائیکل سواروں کو لائسنس اور آر سی کے علاوہ تمام ضروری دستاویزات کو ساتھ رکھتے ہوئے سفر کرنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ सिटी के तरफ से मैं आम पब्लिक को ये अपील करती हूँ, ट्रैफिक डीसीपी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले जॉइंट चेक करें और हेलमेट कंपलसरी पहनना और लाइसेंस कंपलसरी कैरी करना। विदाउट लाइसेंस विदाउट हेलमेट केसेस बुक कर रहे हैं, स्पेशल ड्राइव्स चल रहा है और अपना सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। आप लोग कंपलसरी हेलमेट पहनिए, अपना जान को बचाइए और वाइल ड्राइविंग द व्हीकल आप जब भी गाड़ी निकालते हैं आपके साथ लाइसेंस रखें और अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी गाड़ी के आप साथ में लेके निकलिए, नहीं तो भारी जुर्माना पड़ेगा। पहली बार जब पकड़े गए तो 100 रुपीज़, दूसरी बार पकड़े गए तो 200 रुपये और तीसरी बार पकड़े गए तो 300 रुपये। उसके बाद गाड़ी सीज होने का चांसेस है और जेल को भी क्रिमिनल केस बुक करने का भी चांसेस है। ضلع نلگنڈا کے منگولا منڈل میں پانی کی کمی کے سبب متاثرہ فصلوں کا تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر کودنڈا رام نے معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ پروفیسر کودنڈا رام نے گنپاورم اور نارائن گوڑ کے علاوہ دیگر دہی علاقوں کا بھی معائنہ کیا اور متاثرہ کسانوں سے بھی ملاقات کرتے ہوئے انہیں درپیش مسائل سے واقفیت حاصل کی اور زراعت کے موسم میں چاول کی فصل کے متعلق کسانوں سے سوالات بھی پوچھے۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر فائنانس ایٹلا راجندر نے گریٹر ورنگل کارپوریشن انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی کی ایک طرفہ کامیابی کی پیشگوئی کرتے ہوئے تاریخی ساز کامیابی کا دعویٰ بھی پیش کیا اور انہوں نے عوام سے ورنگل کے تمام 58 بلدی حلقوں سے ٹی آر ایس پارٹی کی کامیابی کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ضلع میدک کے پٹینچرو میں رکن اسمبلی جی مہیپال ریڈی نے اپنے ہنگامہ دورے کے موقع پر بہت سارے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ پٹینچرو کے 2 دیہاتوں میں 3,66,00,000 روپے کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا انہوں نے سنگ بنیاد بھی رکھا۔
کل ہند جیولرز ایسوسیشن نے شہر کے مصروف ترین علاقے ایبٹس پر ایک احتجاجی دھرنا منظم کیا. اس موقع پر احتجاجیوں کے قائد نے حکومت سے سونے کے تیار زیورات پر سے ایکسائز ڈیوٹی کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا, اور انہوں نے حکومت کو انتباہ دیا کہ ابھی تک کل ہند جیولرز ایسوسیشن کا یہ دھرنا 7 مارچ تک لیے منظم کیا گیا ہے. اگر حکومت ہمارے مطالبات کو نظر انداز کرتی ہے تو یہ دھرنا غیر معینہ مدت کے لیے بھی منظم کیا جائے گا. آندھرا پردیش کی تقسیم کے موقع پر آندھرائی عوام کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کرشنا مادیگا کے ریاست آندھرا کے دورے کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تلگو دیشم پارٹی کے رکن قانون ساز کونسل گالی مدو کرشنا مانائیڈو نے کہا کہ وائی ایس آر سی پی قائدین سے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ مادیگا پورٹا سمیتی کے صدر مندا کرشنا مادیگا کو وائی ایس آر سی پی نے خرید لیا ہے تاکہ آندھرائی عوام کو تقسیم کیا جا سکے. ضلع نظام آباد کے کاماریڈی اسمبلی حلقے میں ایم پی ڈی او اور تحصیلداروں کے ہمراہ ضلع کلکٹر یوگیتا نے جائزہ اجلاس منعقد کیا. انہوں نے ضلع انتظامیہ کے عہدیداروں کی کارکردگی پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا. اس کے علاوہ مجوزہ ماہ کرما میں درپیش پانی کی قلت سے پیدا ہونے والے مسائل کے موثر حل پر نظر رکھنے کی بھی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے, اور کہا کہ پانی کے خصوصی ٹینکرز کے ذریعے اس قلت کو دور کرنے کی بھی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے. ضلع محبوب نگر کے ون پرتی منڈل میں تاجروں کے ایک گروپ نے مقامی ایکسائز دفتر کے گھیراؤ کی کوشش کی اور ایک احتجاجی دھرنا بھی منظم کیا. احتجاجیوں کے مطابق ان کی دکانوں میں گوڑ کی فروختگی عمل میں لائی جا رہی تھی, جس کو کشیدہ شراب کے لیے فروخت کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے متعلقہ ایکسائز عہدیدار انہیں ہراساں و پریشان بھی کر رہے ہیں. ریاست آندھرا میں کاپو طبقے کے لیے تحفظات کا مطالبہ پھر ایک مرتبہ زور پکڑتا دکھائی دے رہا ہے. اس ضمن میں میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کاپو طبقے کے قائد نے مدرگڈا پدمانابھم نے کہا کہ آندھرا میں برسر اقتدار سیاسی جماعت تلگو دیشم کاپو طبقے کو تحفظات کے متعلق اپنے دیے گئے وعدے سے دور ہو چکی ہے, اور انہوں نے آندھرا حکومت کو اندرون 10 مارچ اپنے وعدے پورے کرنے کا انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان مسائل کی یکسوئی نہ ہوئی تو پھر احتجاج میں ایک اور مرتبہ شدت پیدا کی جائے گی. ضلع عادل آباد کے بھینسا منڈل میں سیکیورٹی کا مطالبہ کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کے ایک گروپ نے مارکیٹ کمیٹی دفتر کے روبرو ایک احتجاجی دھرنا منظم کیا. ملازمت کی سیکیورٹی کے لیے یہ ایک روزہ احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا تھا. قبل ازیں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ہمیں ملازمت کی سیکیورٹی کا وعدہ کیا تھا, جس پر عملہ آوری محکمے کے اعلی حکام کی ذمہ داری بنتی ہے. گریٹر ورنگل انتخابات کے موقع پر کانگریس پارٹی قائد وکرم آرک نے ہنم کنڈا کے پی سی سی بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ٹی آر ایس پارٹی کو اپنا شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے ٹی آر ایس پارٹی سے ورنگل کی ترقی کے لیے ماسٹر پلان پیش کرنے کو کہا, اور عوام سے کانگریس پارٹی کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی ہے. ملک کے شام میں جاری بحران اور وہاں پیش آنے والی مشکلات سے عاجز آ کر جرمنی ہجرت کرنے والے مہاجرین کے متعلق مجوزہ اجلاس سے قبل یورپی یونین کونسل کے صدر ڈونالڈ تمسک ترکی کے وزیراعظم احمد داؤد اور گلوسکے سے ملاقات کی, جس میں انخارا پر فرانس کے ساحلی علاقوں میں آنے والے مہاجرین کی تعداد کو کم کرنے کی اپیل کی گئی, اور ضمن میں ترکی حکومت سے تعاون کی بھی اپیل کی گئی ہے. ملک روس کی جانب سے ملک شام کے عام شہریوں اور اپوزیشن پارٹی کے اعتدال پسند عوام پر کیے جانے والے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے روس کو حملہ بند کرنے کا انتباہ دیا, اور کہا کہ روس بلا وجہ ملک شام کے عام شہریوں اور متوسط درجے کے سیاسی پارٹیوں کے کارکنان پر برہم ہو رہی ہے, جو کسی بھی حال میں قابل برداشت نہیں ہے. Russia needs to end its attacks on Syrian civilians and the moderate opposition and accept that there has to be a transition away from Assad to a new leader who can reunite Syria and bring peace and stability to that country. تو چلیے ناظرین آخر میں نظر ڈالتے ہیں ایک بار پھر سرخیوں پر.
जिले खम्मम के कांग्रेस पार्टी कायद राम रेड्डी वेंकट रेड्डी दुनिया से चल बसे सोनिया गांधी और दीगर कायदीन का इजहार दुख। हेलमेट लुजूम के लिए शहर में पुलिस की अनोखी मुहिम, बिना हेलमेट गाड़ियां चलाने वालों की गुलपोशी और हेलमेट के फवायद से आगाही। जेल से रिहाई के बाद कन्हैया कुमार की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आमद, सैकड़ों तुलबा ने किया इस्तकबाल और रैली का इनेकाद। रियासत आंध्रा में लैंड माफिया की सरगर्मियां, चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की खामोशी, वाईएसआरसीपी कायद बोत्स सत्यनारायण की तनखीद। लोकसभा के साबिका स्पीकर पीए सांगमा दुनिया से चल बसे, पार्लियामेंट में खराज अकीदत के बाद 8 मार्च तक के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। मुल्क की 5 रियासतों मगरबी बंगाल, पांडिचेरी, असम, केरला और तमिलनाडु में असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी, मरकजी इलेक्शन कमीशन नसीम जैदी का ऐलान। और रियासत छत्तीसगढ़ में एक और मरतबे पुलिस और माओवादियों के दरमियान फायरिंग का तबादला, सीआरपीएफ के 2 जवान हलाक। इसी के साथ दक्कन टीवी पर पेश किए जा रहे इस उर्दू खबरनामे का सिलसिला अब यहीं पर ख़त्म होता है। हमें और हमारी सारी टीम को अब दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दक्कन टीवी वॉइस ऑफ तेलंगाना, जिसमें हम हमारे नाज़रीन के लिए रोज़ाना रात 12:30 बजे भी ख़ुसूसी तौर पर उर्दू न्यूज़ पेश कर रहे हैं।